आज हमारे पास है दो एम्पलीफायर जिनका हम गिव अवे करेंगे और जानेंगे इन दोनों के बारे में। एक अनब्रांडेड एम्पलीफायर है जिसका मॉडल नंबर है MD256 और एक ब्रांडेड है जिसका नाम हमने छिपा रखा है जिसका मॉडल नंबर है PE3050। इनके टॉप खोलकर भी अंदर से देखेंगे इसमें क्या क्या लगा है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक ब्रांडेड एम्पलीफायर है और ये अनब्रांडेड है। बॉक्स में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसका नाम हमने छुपा रखा है और इस पर तो कोई नाम ही नहीं है। अब खोलकर देख लेते हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि एम्पलीफायर कंप्लीट बना हुआ कहाँ मिलेगा, ये इसके बारे में बताएं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं और देख कर ले सकते हैं। इसमें निकला एक रिमोट, इसमें कोई वारंटी कार्ड या गाइड बुक कुछ भी नहीं है। चलो वारंटी तो अब बिल के साथ मिली जाती है। यह है इसका फ्रंट और ऊपर लगा है 5000 वाट का स्टिकर। इस पर ना जाएं क्योंकि इसमें केवल लुक देने के लिए होता है। दोनों ही एम्पलीफायर में 4440 डबल आईसी के बोर्ड लगे हैं। इनसे 8 इंची 10 इंची आप स्पीकर के दो कॉलम चला सकते हैं। आपको तो पता ही है कि 4440 आईसी 5000 वाट की नहीं होती। अब इसके बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ लगे हैं दो स्पीकर सॉकेट 4 स्पीकर चलाने के लिए और 680 सॉकेट लगा है अलग से DVD या TV कनेक्ट करने के लिए या कुछ और भी कनेक्ट कर सकते हैं। और बैटरी से चलाने के लिए लगा हुआ है DC सॉकेट। एक पीछे ही लगा है माइक सॉकेट। इधर से निकली एक वायर एंटीना की। इधर खाली हॉल है जहाँ फ्यूज होल्डर लगा होता है, इसमें नहीं है। अब इसका टॉप खोल कर देखते हैं। आपको मार्केट में बहुत से एम्पलीफायर मिल जाएंगे पर उनके अंदर क्या है कोई नहीं दिखाता। आप यहाँ देख सकते हैं और इसी सेलर से आप परचेज करते हैं तो आपको पता भी होगा इसके अंदर क्या क्या लगा है। इसका टॉप देखें तो काफी हल्का है, अंदर से देखें तो ऐसा है। अब दूसरे को भी खोल कर देख लेते हैं फिर एक दूसरे से कंपेयर करेंगे किसमें कंपोनेंट्स बढ़िया हैं और किसमें थोड़े हल्के लगे हैं। वो कीमत के हिसाब से है। बॉक्स पर चारों साइड में और टॉप पर ब्रांड का नाम डला है जो हमने छिपा रखा है और बॉक्स की क्वालिटी भी बढ़िया है पहले वाले से। पैकिंग थर्माकोल भी ऊपर नीचे लगे हैं इसमें। इसमें निकला एक रिमोट पर वारंटी कार्ड और गाइड बुक इसके साथ भी नहीं है। और यह है इसका फ्रंट लुक। ब्रांड यहाँ भी छिपा रखा हमने। इसके ऊपर भी 5000 वाट का स्टिकर लगा है पर इस पे PMPO भी लिखा है। RMS वाट्स और PMPO ये अलग अलग होते हैं। इस टॉपिक पर किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। इसकी देखते हैं अब बैक। उसमें दो स्पीकर सॉकेट थे, इसमें एक ही है और एक है 6RCA और बैटरी के लिए DC सॉकेट। फ्यूज इसमें भी नहीं लगा है। इसे भी खोल कर देख लेते हैं। इसका टॉप काफी हैवी है पहले वाले से। ट्रांसफार्मर पर और PCB बोर्ड पर ब्रांड प्रिंट है, इसे भी हमने छुपा रखा है। अब दोनों को एक साथ देखते हैं। पहले बात करते हैं प्राइस की, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी मैं बता दूं लेफ्ट वाले से राइट वाले में 35% का डिफरेंस है, मतलब 35% इसके ज़्यादा हैं रेट लेफ्ट वाले से। और सेल के बारे में कहें तो ये लगभग दोनों एक जैसे बिकते हैं। अगर 10 पीस ये बिकेंगे तो 10 पीस वो भी बिक जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि लोग इसे पसंद नहीं करते, ये हल्का है तो सभी बिकते हैं मार्केट में। दूसरा देखें ट्रांसफार्मर, तो राइट वाला है ये, लगभग 2 इंच का है 3 एम्पियर और लेफ्ट वाले का 1.5 इंच 2 एम्पियर का लगा है। अब देखते हैं फ्रंट पे हैंडल जो राइट वाले में लगे हैं, ये एल्युमिनियम के हैं
और इसमें लगे हैं, आप चेसी भी देखें तो काफ़ी हल्की है। इसमें लगे हैं प्लास्टिक के हैंडल। इसमें रेगुलेटर भी 7850 पीसीबी में लगा हुआ है और इसमें इस प्रकार से अलग लगा रखा है। इसमें आरसी सॉकेट से दो रेजिस्टेंस लेकर माइक सॉकेट पर लगा रखे हैं और इसमें माइक के लिए लगा है एक ट्रांजिस्टर का सर्किट। इसमें दो स्पीकर सॉकेट हैं, दोनों की पिनें आपस में जॉइंट कर रखी हैं और इसमें सिंगल स्पीकर सॉकेट है दो कॉलम के लिए। अब देखते हैं यूएसबी MP3 कार्ड, तो ये ऐसा है और स्क्रू पर कैप भी नहीं लगी है इसमें। और इसके अंदर देखें तो इसमें छोटी चिप आईसी लगी है और इसे देखें तो स्क्रू पर कैप भी लगी है और अंदर से देखें तो चिप आईसी भी बड़ी है। अब प्ले करके देखेंगे कि केवल देखने में ही अंतर है या कुछ साउंड भी डिफरेंस है। ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. रिमोट भी टेस्ट कर लेते हैं, केवल एक ही मोड चेक करेंगे प्ले पॉज का। अब इसे भी प्ले करके देख लेते हैं। ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं।
साउंड क्वालिटी देखें तो ब्रांड वाले में काफी बढ़िया है। जैसे एक पुरानी कहावत भी है, जितनी शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा क्वालिटी का सामान लगा रखा है तो ये उतना ही महंगा भी है। आप सस्ता लेना पसंद करते हैं तो वो भी बढ़िया ही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप गिव अवे के बारे में भी डिटेल में जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।